हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता का वीडियो। पास्ता हो, मैगी हो, माइक्रोनी हो, सबको बहुत पसंद आता है। तो इसको बनाने का आज इतना सिंपल तरीका लेके आई हूँ कि ये शायद ही आप पहली बार देख रहे होंगे ऐसा वीडियो, या यकीन नहीं करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम ही बना रहे हैं ना पास्ता, तो इसको खराब होने का चांस ही नहीं है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ये पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था और ये अच्छे से बॉईल हो गया है। ये देखिए, इसमें बबल्स भी अच्छे से आ रहे हैं ना। तो यहीं मैंने ये इस तरह से ये पास्ता लिया है और इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ लगभग 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के और इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब ढक के लगभग 2 या 3 मिनट के लिए पका लेंगे। मतलब इतना पकाना है कि सिर्फ ये हाथ से दब जाए, मतलब हाथ से थोड़ा सा टूट जाए, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। तो अब चेक कर लेते हैं और ये देखिए, ये बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा ना। अब इसमें खाने में टेस्ट आ जाएगा अच्छे से। तो अब इस तरह से छन्ने में मैं इसको अलग कर लेती हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से कोई भी स्टेनर में इसको स्टेन कर लेंगे। और जैसे ही इस तरह से मैंने इसको अलग कर लिया ना, तो यहीं हम ठंडा पानी ऐड करके और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे, जिससे कि ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, अलग अलग रहते हैं। ये देखिए, तो लगभग 2-3 गिलास पानी डाल के और इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। और अब इसको एक साइड से रखते हैं। और यहीं मैंने एक पैन लिया है, पैन को भी मैं अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। और यहीं लगभग 1-1.5 चम्मच तक मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। इसको भी अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और जैसे ये गर्म हो गया ना, ये देखिए, तो यहीं हम कुछ इस तरह से छोटे छोटे से कट करके शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, साथ ही गाजर ऐड करेंगे और इस तरह से प्याज कट करके ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ शिमला मिर्च, गाजर और प्याज ऐड किया है। अगर आपके पास पीली शिमला मिर्च या लाल शिमला मिर्च है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ थोड़ा सा स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे। तो हर सीज़न में नहीं मिल पाता, लेकिन आजकल फ्रोजन वाले स्वीट कॉर्न मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो वैसे तो इतनी सब्ज़ी पर्याप्त है और मैं यहाँ इतनी सब्ज़ी ही ऐड करूँगी। इनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, हल्का सा कुक करेंगे। ये देखिए, मतलब इनको पकाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा इनको फ्राई कर लेना है। और ये अब यहीं गैस को ऑफ कर देते हैं। और यहीं अब मैंने एक कढ़ाई और लिया है, कढ़ाई को भी अच्छे से गर्म कर लेंगे। और यहाँ हम ऐड करेंगे पहले तो बटर। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इस तरह से थोड़ी बड़े साइज में ये बड़े बड़े क्यूब्स मैंने बटर के ऐड किए हैं। इसको अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए, मेल्ट हो गया ना। तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने पूरा ही बटर ऐड किया है। साथ ही यहाँ 2 चम्मच तक कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो अभी ये थोड़ा सा और गीला हो जाएगा, जिससे कि इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। अगर हम लोग कम बटर यूज करते हैं ना, तो अक्सर क्या है, जो तो यहाँ जो हम कॉर्नफ्लोर या मैदा यूज कर रहे हैं, वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि लम्स पड़ने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल पतला हो जाता है ना। यहीं अब हम कुछ सब्जियां ऐड कर देते हैं, जो हमने ये सब्जियां पका के रखी थी ना, इसी में ऐड कर देते हैं। पहले अगर आपने कभी मतलब और भी वीडियोस देखे होंगे, तो पहले तो हम सॉस रेडी कर लेते हैं, व्हाइट सॉस रेडी करते हैं, तो बहुत टाइम लग जाता है। बट आज का जो तरीका है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है और आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सब्जियाँ भी ऐड किया, साथ ही पास्ता भी ऐड कर दिया है, चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देते हैं यहाँ स्वाद अनुसार। और मैंने फ्रेश ओरिगैनो लीव्स ऐड की है, इस तरह से हाथ से तोड़ के, ये देखिए। और ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद यहाँ हम स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करते हैं। और यहीं मैंने अब ये चीज़ लिया हुआ है, चीज़ को बिलग्रेट कर देंगे, इस तरह से कद्दूकस करना है। तो आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, क्यूब्स ऐड कर दीजिए या मतलब स्लाइस वाला कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि आप यही चीज़ ऐड करें। और साथ ही यहाँ अब मिल्क ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ 1 कप, इस कप से लगभग 200 ml तक मैंने यहाँ मिल्क लिया हुआ है, नॉर्मल मिल्क है, और इसमें ऐड कर देना है। अब सारी चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करके लगभग 1 या 2 मिनट के लिए इसको पका लेना है, यानी जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता है तब तक पकाना है। तो इस तरह से एक भी लम्स भी नहीं पड़ते, प्रोसेस भी बहुत आसान होती है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप लोग कैसे बनाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये तरीका कैसा लगा, ये भी कमेंट करके बताइएगा। वैसे हमेशा मतलब कोशिश रहती है कि बहुत सिंपल तरीके लेके आऊँ। और यहीं अब हम काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है।
यही। अब इसको मिक्स करते हैं और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है और अब इसको अच्छे से मिक्स करते जाना। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा, थिक हो जाएगा और बहुत ही सॉसी होगा, तो बहुत मज़ा आता है इसको खाने में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पहले हम लोग अक्सर सिंपल पास्ता बनाते थे, बट जब से इस तरह से बनाने लगे हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लास्ट में मैं बटर और ऐड कर दूँगी, तो इसमें जितना ज़्यादा बटर या चीज़ होता है ना उतना ही ज़्यादा इसमें और अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोग ने कभी बड़े होटल वगैरह में खाया होगा ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ी होता है, बटर का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ज़्यादा बटर ऐड करने से क्या होता है, जो इसकी स्पाइसनेस होती है ना वो थोड़ा कम हो जाती है और मतलब थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर होता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और मैं इसको सर्व करती हूँ गर्मा गर्म गार्निश करके। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ। मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहले से आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स वीडियो।